जिले के संगठन ने, प्रदेश के संगठन ने और देश के नेतृत्व ने मुझे नकुट विधानसभा से पार्टी में प्रत्याशी बनाया है। मैं धन्यवाद अदा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि 100% हम लोग ये विधानसभा जीतकर योगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले 20 साल से जो नकुट विधानसभा में नहीं हो पाया, ना गांव की सड़क बनी, ना एरिया की सड़क बनी, ना नौजवान को रोजगार मिला, ना अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति की मदद हुई, ना वहाँ कोई बालकों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हुई, ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई, वो सब काम हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे। देश उतना मजबूत होगा, ये प्राथमिकता हम लोगों की रहेगी। और हमारे योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का, गुंडों का सफाया करने का काम किया है, याद करो वो दिन जब कग्गा आता था और चौकिया बंद हो जाती थी। ये तो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा के वे लोग हैं जो माफियाओं के बुलडोजर चलाकर घर तोड़ने का काम करते हैं, कग्गे को भगाने का काम करते हैं, पुलिस को इकबाल बुलंद करने का काम करते हैं, माफियाओं को जेल भेजने का काम करते हैं। और एक तरफ वो विचारधारा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहता है बुलडोजर को भगा देंगे, माफियाओं को ला देंगे, जमीनों पर माफियाओं की दोबारा कब्जा करा देंगे। ये विचारधारा की लड़ाई है। जनता तय कर चुकी है नकुट विधानसभा की कि योगी जी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, जो योगी जी के जो सरकार के काम थे, चाहे हाईवे के हो चाहे बिजली के हो, वो सब काम उन्होंने करने का काम किया। लेकिन जो एक विधायक का काम होता है, जो विधायक लड़के झगड़ के शासन में, शासन स्तर पर गांव गांव में सड़कें बनवाने का काम किया है, वो उस विधायक का उन्होंने करने का काम नहीं किया है। ये पूरी जनता वहां की बता रही है, बिल्कुल सामने है। आप भेद देख लो अलग अलग विधानसभा में, उनका एक ही धैर्य था, क्योंकि योगी मोदी जी का एक ही कहना है, न खाएंगे न खाने देंगे। उनका काम एक ही था, खाने का, और उनकी वो लूट यहां नहीं चली। इस आज उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जात योगी में है। योगी की बात करते हैं लोग, योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे मेरे तो अच्छे से याद है, गांव गांव पहरे लगते थे, चोर आ गया, चोर आ गया, कहां गए चोर? गांव गांव लोग रात को खेत पे जब जाते थे पानी चलाने के लिए, 12 बजे बिजली आती थी, तो यदि गन्ने के मैड़े में कोई गादड़ घुस जाता था और वो गन्ने का मैड़ा हिल जाता था तो किसान फावली भी खेत पे छोड़ के भाग के चला जाता। आज योगी जी ने दिया, रात के 12 बजे एक किसान अकेला खेत में जाके पानी चला सकता है, किसी बदमाश की हैसियत औकात नहीं। महिलाओं को जो सुरक्षा, जो पूरे प्रदेश के अंदर स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव में रहने वाली गरीब महिला को आत्मनिर्भर करने का काम योगी और मोदी जी ने किया है, आज तक के इतिहास में वो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता नहीं कर सका। मैं कहा ना, युवाओं को स्पोर्ट के लिए छोटे गांव गांव छोटे छोटे खेल के मैदान बनाऊंगा, उनके लिए ओपन जिम जो हम लोगों ने शुरू किया है अभी, ओपन जिम बच्चों के लिए, बच्चे हेल्दी होंगे, स्वस्थ दिमाग होगा और बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे भारतीय बनेंगे और अच्छे अपने माँ बाप के बच्चे बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे। वे जो जिस फील्ड में भी जाएगा वो अच्छा बनेगा, वो तभी जा सकता है जब स्वस्थ दिमाग हो, स्वस्थ शरीर हो।